हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं ना, वो रियली सुपर्ब है, अमेजिंग है। अब आप सोच रहे होंगे, ये हर वीडियोस में बोलती हैं कि अमेजिंग है, क्या करूँ, अमेजिंग है तो बोलना पड़ता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मोस्टली टेक्निक हम सब अपनी लाइफ में करते हैं, उसके बेनिफिट्स लेते हैं, बिकॉज वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, कई बार ही क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, मैम हम टेक्निक नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि हम 21 डेज और 7 डेज और 5 डेज ऐसे करके करें। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक लेकर आई हूँ कि लाइक आपको उसमें बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक आप एक दिन में चाहोगे एक दिन में कर लोगे, और आपको पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार करना है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अलग अलग विश के लिए कई बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो जैसे मैं कहती हूँ ना कि सुबह करिए, दोपहर में करना है, इतने दिन करना है, ये वाली टेक्निक नहीं है। ये जो भी है ये आपको सिर्फ एक बार करना है, और ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ये टेक्निक एक ऐसी है जो मैं बताऊं कि ये जैसे हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो कई बारी ऐसी ये चीज़ करते थे, मतलब इससे थोड़ी सी अलग हट के ये चीज़ करते हैं, बट करते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न कह लीजिए या जैसा भी कह लीजिए कि ये चीज़ें होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि वाकई ये काम करती हैं। डिपेंड करता है कि हम उसे किस इंटेंशन से कर रहे हैं, हमारा बिलीव क्या है उसके लिए, और हम किस तरीके से करें, हमारा तरीका क्या है करने का। ठीक है, अगर आप तीनों चीज़ें सही तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए, ये जो मैं आज टेक्निक बताने वाली हूँ ना, इससे आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं। अब वो चाहे आपके करियर की बात हो, आपके जॉब की बात हो, आपके मैरिज की बात हो, आपको घर खरीदना है, आपको किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, आप किसी से उसके सामने कुछ कह नहीं पा रहे हो, उससे कुछ कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। ठीक है, तो आज इस टेक्निक को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, देखिएगा ये वर्क बहुत तेज़ी से करती है। ठीक है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम खर्चे में आ जाएगी। जो भी मैं अभी आपको सामान बताऊँगी वो बहुत ही ईजिली तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, एंड मार्केट से ज़्यादा आई थिंक ये आपके घर में भी अवेलेबल होगा, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो टेक्निक क्या है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस टेक्निक के बारे में कि वो टेक्निक कौन सी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक हैंकी लेनी है। ठीक है, रुमाल तो आप सबके घर में होगा ही, सब लोग यूज़ करते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से जाके परचेज़ कर सकते हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा आएगा। ओके, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको रेड कलर की प्लेन हैंकी और या तो येलो कलर की प्लेन हैंकी अगर मिल जाती है, मतलब रेड, येलो एंड ऑरेंज, अगर इन तीन कलर की आपको प्लेन हैंकी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर नहीं होती है तो आप नॉर्मल हैंकी भी ले सकते हैं। बस जब भी आप कोशिश करेगा कि अगर वाइट कलर की आपके पास हैंकी है, नहीं है किसी और कलर की, सिर्फ वाइट कलर की हैंकी है, तो आप उसमें क्या करेगा, थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा, हल्का सा पानी हाथ में लगा के ऐसे टच करिएगा और उसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि वाइट पूरी चीज़ सूनी रहना वो अच्छी चीज़ नहीं होती। क्योंकि हम जब कोई शुभ काम करते हैं, लाइक हम शादी का कोई लिफाफा देते हैं, तो एनवेलप अगर वाइट होता है तो हम उसमें हल्दी ज़रूर लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर हल्दी हो, अगर वाइट कलर की रुमाल हो, तो आप उस पर हल्दी का छोटा सा टिका लगा सकते हैं। ओके, अगर मतलब उसके अलावा अगर आपको रेड प्लेन मिल जाती है, ऑरेंज प्लेन मिल जाती है, येलो प्लेन मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो जिस भी कलर की मिले, अगर आप सब में कोई भी हो, रेड कलर भी प्लेन हो, ऑरेंज कलर भी प्लेन हो, अगर जो भी हैंकी मिले, आप उसमें हल्दी का एक बार टीका ज़रूर लगा दीजिएगा। शुभ काम को करने के पहले लगाया ज़रूर जाता है, तो आप ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने उसमें हल्दी का एक टीका लगा दिया, उसके बाद आपको उसमें कुछ कॉइन्स रखने हैं। कॉइन्स भी रख सकते हैं, रुपी नोट भी रख सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स आपको किस तरीके से पैसे उसमें रखने हैं कि लाइक हम जैसे शगुन किसी को देते हैं तो हमेशा किस तरीके से देते हैं, 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये, 501 रुपये, ऐसे करके देते हैं। ठीक है, 1001 रुपये। ठीक है, तो इसमें आप ये सोचेंगे, मैम तो बहुत लंबा अमाउंट बता रही है। मैं कोई लंबा अमाउंट नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम शगुन इस तरीके से देते हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार कितने पैसे उसमें रखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ 11 रुपये रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 11 रुपये भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उस हैंकी में आपने कुमकुम लगा दिया या हल्दी लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक अगर आप मान लीजिए 11 रुपये ही ले रहे हैं तो आपने 11 रुपये रखा, लाइक 10 रुपये अगर है तो 1 रुपये का सिक्का, टोटल 11 हो गया। अगर सिर्फ कॉइन रख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने उसमें पैसा रखा, पैसा रखने के बाद आप उसको हाथ में इस तरीके से लेंगे और ऐसे करके उसको दबा देंगे, ठीक है। दबाने के बाद आपकी जो विश है उसको पूरा इंटेंशन, पूरी मतलब उस विश में आपको डूब जाना है। उसको आपको सिर्फ ऐसे नहीं दबाना है, लाइक आपने रखा हाथ ऐसे किया और आपको 17 सेकंड यहाँ पर मेथड लगाना है। 17 सेकंड की जो टेक्निक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। कैसे करनी है, लाइक हमने यहाँ पर क्या किया, हैंकी ली, हैंकी में ऐसे करके दबाया और 17 सेकंड तक आंखें बंद करके उसी इंटेंशन, उसी विश को होल्ड किए रहना है। हाथ में वही चीज़ करनी है और उसको होल्ड किए रहना है। उस रुमाल पे कॉइन होगा, कॉइन के ऊपर आपका हाथ होगा और आपको 17 सेकंड तक जो आपकी विश है उसी को होल्ड किए रहना है। जब लगे 17 सेकंड, ऐसा नहीं कि आप काउंट करते रहिए, क्योंकि अगर आप काउंट करते रहेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ काउंटिंग में रहेगा, विश में नहीं रहेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम मतलब 17 सेकंड से ऊपर हो जाएगा चलेगा, बट 17 सेकंड तक आपको करना ही करना है। उसमें अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस डालनी, लाइक आँख बंद करके आपको ये बोलना है, लाइक मतलब अगर मैं कहीं शादी करना चाहती हूँ, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी हो आपका, मान लीजिए मेरी अरेंज मैरिज नहीं हो रही है, बहुत लेट हो रहा है और मेरी मैरिज नहीं हो रही है, तो मैं उसके लिए अगर कर रही हूँ तो मैं आँख बंद करके उसका इंटेंशन करूँगी। 17 सेकेंड तक उस थॉट को हमें होल्ड करके रखना है और जब हमारा हमें लगे कि हाँ अब हो चुका है और अब मेरा ध्यान भटक रहा है, तब आपको ग्रैटिट्यूड करके, कि ये नहीं बोलना है कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है, थैंक यू सो मच, इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, ठीक है। ये बोल के आपको और 3 बार ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी विश पूरी करने के लिए, ओके। ये करके आपको उसमें वापस से मतलब हाथ हटा लेना है और उस रुमाल में एक गांठ बांध देनी है, ठीक है। सिर्फ एक ही गांठ बांधनी है, लेकिन ऐसा बांधेगा कि वो टाइट रहे, ठीक है। एक गांठ बांध दीजिएगा या जैसे भी आप, अगर आपको लगे कि लूज है रुमाल और खुल जाएगा तो आप 2 गांठ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी विश ली, 17 सेकंड तक उसको होल्ड किया, ग्रैटिट्यूड किया और उसके बाद आपने उसमें गांठ लगा दी। गांठ लगाने के बाद आपको उस रुमाल को ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर किसी का भी हाथ ना लगे, इवन आपका भी हाथ ना लगे, ठीक है। आप कहीं अलमीरा में रख सकते हैं, ड्रॉर्स में कहीं रख सकते हैं, मतलब आपको उसको ध्यान ही नहीं देना है। वो आपने रख दिया, उसके बाद जब आपकी विश पूरी हो जाए तब आपको वहाँ से वो हैंकी निकालनी है, जो कॉइन है किसी गरीब बच्चे को दान कर दें या मंदिर में कहीं चढ़ा दें या किसी को कुछ खिला दें उससे, जितने भी पैसे हों, ठीक है, किसी की ज़रूरतमंद को ही देने हैं, वो पैसे आप दे दें और उसके बाद उस हैंकी को आप चाहें तो यूज़ कर लें या उस हैंकी समेत किसी को दे दें। मतलब हैंकी भी आप किसी को यूज़ करने के लिए, जो ज़रूरतमंद है उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, और आपने जितने भी पैसे चढ़ाए चाहें तो आप पैसे दे दें, चाहें तो उसका कुछ खाने पीने का सामान खरीद दें और उसको खिला दें, इस इंटेंशन के साथ कि आपकी विश पूरी हो गई। लेकिन जब पूरी हो जाए ये आपको तभी करना है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा उपाय है और सिर्फ एक ही बार करना है और यकीन मानिए इससे आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आपने वो रुमाल बांध दिया तो उसके बाद उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप उस विश को पकड़े रहेंगे, आपको छोड़ देना है। इसीलिए कहा जाता है कि लेट गो कर दीजिए, आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये करिएगा, जब आपकी विश पूरी हो जाए आपको वो हैंकी समेत ही वो कॉइन किसी को दे देना है या उसका कुछ भी किसी ज़रूरतमंद को खिला देना है। ऐसा आप अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ये उपाय आप करिएगा, ज़रूर देखिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इस पे 17 सेकंड की आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगी होती है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका इंटेंशन बहुत प्योर होता है, ठीक है। अपनी विश बहुत सही रखिएगा, इंटेंशन बहुत प्योर रखिएगा, वाइब्रेशन बहुत हाई रखिएगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और ये उपाय करिएगा ज़रूर, और जब भी आपकी विश पूरी हो ना तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।